झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर अध्यक्ष मधु डी कार्यालय में एक बैठक की गई। चर्चा में सभी नगर सदस्य ने लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, इसमें बहुत सारी त्रुटियां रही, अब आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ स्तर पर कहां क्या कमी रही है, विधानसभा में ऐसी कमी नहीं आनी चाहिए। वहीं जन आंदोलन पर उन्होंने कहा कि पंचायत से वंचित 19 गांव के विस्थापन मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। जब चुनाव आता है तो 19 गांव स्थापित वोट देते हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। झारखंड सरकार के साथ साथ सेल प्रबंधन को घेरने का भी काम किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि यहाँ हमारे चास प्रखंड के भी पदाधिकारी आए हुए हैं और चास नगर के भी आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह जो है बैठक महानगर और पूरे विधानसभा का है। और इस बैठक में चूँकि बारी बारी सारे लोगों ने अपना जो विचार दिए, हमारे जो भी यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी आज जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सारे कार्यकर्ता जो है क्रीम कार्यकर्ता लोग हैं और सारे लोग अनुभवी हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो है काफ़ी दमखस रखता है, वैसे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूँकि हम लोग जो है विगत जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस पर भी हम लोग जो है समीक्षा बैठक किए, सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दिए। और चूँकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में 81 विधानसभा में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे एक एक कार्यकर्ता लग चुका है और चुनावी मोड में हर समय जेएमएम का कार्यकर्ता रहता ही है। अब अभी चूंकि बैठक में जो है हमारे जो भी पंचायत कमेटी हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, जो भी अगर यदि उसमें त्रुटि है तो उस त्रुटि को दूर किया जाए। दूसरी है कि अभी एक चीज़ जो है सारे तमाम जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, एक तय हुआ कि हर